नो, अच्छे खाने की एक ही प्रॉब्लम है, इंसान खाता ही रहता है, रुकता ही नहीं। हाँ, वो डिटेल्स मेरी फाइल में, मैं आपको अभी देता हूँ। एक्सक्यूज मी, शिव कहाँ है? वो कोई फोन आया था उनका, तो अंदर कमरे में बात कर रहे हैं। छोटी माँ, आप अचानक कैसे? मेरा मतलब है, आप सब तो उदयपुर जा रहे थे ना? वहीं के लिए निकले थे, पर बीच रास्ते में मन नहीं माना, इसीलिए लौट आई। तुम और शिव कोई सरकारी काम कर रहे थे क्या? नहीं, वो मैं खाना लाई थी कलेक्टर साहब के लिए। शिव ने कहा था तुमसे? उसे तो पता था कि मैं उसके लिए खाना बनाकर फ्रिज में रख कर गई हूँ। उन्होंने मुझसे नहीं कहा था खाना लाने के लिए, और मुझे पता नहीं था कि खाना है घर में, तो इसीलिए दादी सा और मैंने सोचा कि वो कुछ तो खाएंगे ना, और उन्हें हवेली भी नहीं आना था, बस इसीलिए मैं आई। कमाल है, तुम्हारे जैसी इतनी संस्कारी और समझदार लड़की बिना सोचे समझे इतनी रात को यहां तक अकेले आने की हिम्मत कर सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। माना कि तुम दोनों की सगाई हुई है, पर यह बहुत छोटी सी जगह है आनंदी, और यहां सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, और तुम तो सरपंच हो यहां की, अगर किसी ने देख लिया तो किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे हम। छोटी मां, आप यहां क्या करती? मेरा मन ही नहीं माना ये सोचकर कि तुम अकेले हो गए, इसीलिए लौट आई। पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ इतना खूबसूरत साथ होगा। छोटी मां, पर आपको एटलीस्ट मुझे कॉल कर देना चाहिए था, मैं आपको पिक करने आ जाता। अगर फोन कर देती तो आनंदी के यहां होने का सरप्राइज कैसे मिलता? आप अकेली नहीं है जिसे ये सरप्राइज मिला है, मैं तो खुद इन्हें यहां देखकर सरप्राइज हो गया था। शेख, बेटा रात बहुत हो चुकी है। जी, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, खुद ही चली जाऊंगी मैं।
इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? और वैसे भी इतनी रात को क्या मैं आपको अकेले जाने दूंगा? चलिए मैं आता हूं। सुनी सेठ, मुझे गेहूं बेचने थे, एकदम बढ़िया दाने हैं मेरी गारंटी पर। कितने? मेरे पास 15 क्विंटल होंगे। आप लोगों के पास कितने गेहूं? देखिए, मैंने अभी तक भाव तय नहीं किया है। अगर आपको जमेगा तो ठीक है, गेहूं आपका है, बेचना नहीं बेचना आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। बोलिए। मेरे पास 25 है। मेरे पास 45। मारे कन्या 28 है। मारे कन्या 37 है। सुनी सेठ, मेरे पास लगभग 150 क्विंटल है, क्या भाव दोगे? सोनी सेठ, भाव थोड़ा कम है। सोनी सेठ 1500 का भाव दे रहे हैं। थोड़ा जोर डालूंगा तो 25-50 आगे बढ़ जाएगा। बोलिए। सोनी जी को पता चलेगा कि ये सौदा दयाल सेठ का है तो उठा देंगे नहीं वो। सोनी सेठ, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, ये जो सौदा है ये दयाल सेठ के साथ होने वाला था, लेकिन आपसे मेरे पुराने संबंध हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि सारे किसान भाइयों को आपके पास लेकर आऊं। कोई परेशानी है? वो तैयार है। दयाल सेठ, इन किसान भाइयों का आपसे बहुत पुराना संबंध है, मैं भी दिल से ये चाहता हूँ कि ये सौदा आपसे हो, लेकिन सही दाम पर। 1500 का भाव है, अगर आपको सही लगता है तो हाँ बोलिए, और अगर नहीं तो मुझे 2 मिनट लगेंगे सोनी सेठ को हाँ बोलने के लिए, और आप गेहूं के लिए रोते रह जाएंगे। जल्दी बोलिए, समय नहीं है मेरे पास। ठीक है, दिया भाव 1500 का, उतारिए माल। मारे को तो लूट लिया। सोनी सेठ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सोनी, थारे को तो मैं बाद में देखूंगा। आ जाओ, कर लो हिसाब। तुमने तो कमाल कर दिया भाई। भगवान भला करे थारा, वरना मेरे बच्चे तो भूखे मर जाते। अरे इस साल दिवाली दिवाली की तरह मनाएंगे, चलो। बिल्कुल सही कहा महेश बाबू, आओ। बहुत ही गलत समझा था तुझे, माने लिखा था कि तू हमारी जिंदगी का श्राप, पर तू तो श्राप की कंबल ओढ़े वरदान निकला हम सबके लिए। शाबाश बेटा, शाबाश। लगता है नंदू के सच्चे मन से की गई प्रार्थना सफल हो रही है। गांव में बीमारों की संख्या बढ़ते जा रही है। मैंने आज लाल सिंह से भी बात की, उनका भी यही कहना है कि इससे पहले कि ये बीमारी महामारी का रूप ले ले, कुछ भी करके इस पर रोक लगाने का कोई ना कोई तरीका हमें ढूंढ निकालना ही होगा। नीचे उतारिए, प्लीज प्लीज। ये लोग जगह को ऐसे उठा के क्यों लाए हैं? नारायण काका भी इतने खुश, ऐसा क्या किया जगह ने?
अपनी गलतियों से लोगों का विश्वास खो देने वाला इंसान उसे फिर से प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करता है, चाहे उसे कोई भी मुखौटा धारण क्यों ना करना पड़े।